गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और इस टाइम फिर से टाइम आ गया एक बार फिर से जिमिंग करने का, जस्ट बिकॉज जिम हम नहीं स्किप कर सकते। मैंने स्किप की थी तो मेरे तो आप देख सकते हैं 16 का नहीं 18 का डोला हो चुका है। आई एम हैवी बस्टी, हमेशा ये मेरी प्रॉब्लम रहती है दैट जिमिंग के टाइम पे या फिर ब्रेस्ट में पेन होने लगता है या फिर निपल शोइंग की प्रॉब्लम रहती है या फिर ये सब ऑकवर्ड मूवमेंट ना बहुत ज्यादा फील होते हैं। तो इन सब ऑकवर्ड मूवमेंट से आप कैसे बच सकते हैं, जिसके लिए कौन सी ब्रा आपको पहननी चाहिए, मींस जो भी हैवी बस्टी मेरी तरीके से हैं उनके लिए सजेस्ट करना चाहूंगी। आज फिर से एक लेके आई हूं मैं यहाँ पे एना मोर की ब्रा, जो कि मैंने खुद के पैसों से खरीदी है। तो जो लोग बोल देते ना कि यहाँ पे तो फ्री के प्रोडक्ट ले आते, तो सॉरी भाई यहाँ पे ये मैंने खुद खरीदी है खुद के लिए, जस्ट बिकॉज मुझे इसकी बहुत ज्यादा अभी क्योंकि मैंने जिम जा रही हूँ बट जॉगिंग पे जाती हूँ, रनिंग करती हूँ, तो उसके लिए ये मुझे जरूरत थी। तो मैंने कहा चलो क्यों ना एक परचेस की जाए इसकी। तो दिस इज द एना मोर स्पोर्ट्स ब्रा और ये एक हाई इंपैक्ट ब्रा है। इसका आप बॉक्स देख ले ताकि आप फिर ये ना पूछे कि कौन सी ब्रा है कैसी वाली है। दिस इज अ हाई इंपैक्ट, नॉर्मली पैडेड है, वायर फ्री है बट फुल कवरेज है, जिसकी जरूरत मुझे बहुत ज्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर वो हाफ कवरेज देते हैं या फिर फुल कवरेज नहीं देते तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। ओके, तो अनबॉक्सिंग मुंह दिखाई की जाए इस ब्राली ब्रा की। इससे पहले भी मैंने एक और ब्रा मंगाई थी, वो भी एक्चुअली अच्छी थी बट उसमें थोड़ा सा निपल शोइंग होता था, पैडेड थी बट निपल शोइंग की प्रॉब्लम होती थी। ये चीज मैंने काफी टाइम के बाद, वो भी एना मोर की ही थी, मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ। सो दिस इज द ब्रा, इट्स लुक लाइक स्पोर्ट्स ब्रा बट इसकी ये एक चीज बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये जो साइड बल्जेस होते हैं ना, साइड का आप देखो यहाँ पे ना फैब्रिक बहुत अच्छा होता है तो जो आपका साइड बल्जेस नहीं होता उसको बहुत अच्छे से कवर करता है ये। और दूसरी चीज की द स्ट्रैप इज वेरी वेरी थिक, ये देखिए बहुत ज्यादा है, ब्रॉड भी है प्लस, ताकि अगर आप एक ये होता है ना अगर पतली स्ट्रेप होती है तो वो ब्रेस्ट का जितना भी वेट होता है तो यहाँ पे पेन होने लगता है, मेरे साथ मोस्टली होता था बट ये जो है काफी वाइड स्ट्रेप है एंड काफी बेटर है। और ये देखिए अगेन दिस इज अ पैडेड बट ये पैड जो है इसमें निपल बिल्कुल नहीं शो होता है। इवन अगर आप हैवी बस्टी हो और आपको लगता है आपका जो ब्रेस्ट है वो राउंड बहुत ज्यादा लगता है, इनफेक्ट और ज्यादा बिगर लगता है, तो इसमें ये चीज बोलना चाहूंगी थोड़ा सा आपको मॉल शेप भी मिलती है। जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे मॉल शेप ब्रा ही पसंद होती है क्योंकि आई डोंट लाइक टू मच राउंड ब्रा जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी बस्टी, उसके कारण जो होता है वो ब्रेस्ट का साइज और ज्यादा अप लगने लगता है, तो इससे जो होता है आपका थोड़ा सा रेडियस होता है। तो दिस इज पर्सनली माय फेवरेट, तो ये जो चीजें हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए। और ये जो है यहाँ से आप जो ये डिटैचेबल यहाँ पे इसकी स्ट्रेप्स हैं जिसको आप क्रॉस, मतलब अगर आप स्ट्रेट नहीं चाहते तो आप क्रॉस इजिली बना सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अभी यहाँ पे क्रॉस वाला ही बनाया हुआ था क्योंकि क्रॉस वाले के साथ में एक और अच्छा टाइट फिटिंग आती है तो वो, और मतलब अगर आप बाउंस कर रहे हैं तो नो बाउंस वाला भी रहता है, वैसे इसके साथ में नो बाउंस ही है। अगर आप कितना भी बाउंस कर ले आपके जो ब्रेस्ट ना इधर जाने वाले ना इधर जाने वाले वो इक्वल जो उनकी प्लेस है वहीं पे रहने वाले हैं। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की। इसका प्राइस सुन के पहले मुझे लगा था बहुत ज्यादा होगा बट इसका प्राइस अगर आप ऑनलाइन देखें तो 1890 है, जो कि आई थिंक अगर आप एक अच्छी ब्रा ले रहे तो उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। बट ये मैंने क्योंकि लोकल से लिया था, अगर मैं बताऊं जलंधर में यहाँ पे मॉडल टाउन में एना मोर का पूरा स्टोर है, तो आप वहां अगर आप किसी भी पॉश एरिया में जो कि प्रॉपर स्टोर है वहीं से परचेज करें अगर आप ऑनलाइन, और ऑनलाइन में सच बताऊं तो इनके बिल्कुल भी डिस्काउंट मुझे नहीं मिला बट इनफैक्ट अगर बात करूं तो ये मुझे 1600 रुपए की पड़ गई है, और 1890 से 1600 रुपए में डिस्काउंटेड रेट मिल गए तो इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप जरूर, हाँ साइज मुझे ध्यान ना गया, अगर आप जस्ट मेरे साइज के हैं लाइक मेरी बॉडी टाइप के हैं तो मेरा उसमें साइज है 34DD, तो मैंने ये 34DD लिया। और अगर आपका साइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगता हो तो प्लीज वहां एक बार आप स्टोर पे जाके अपना साइज मेजरमेंट करवा के फिर ही परचेस करें, जस्ट बिकॉज ऑफ राइट ब्रा ही आपके लिए सुटेबल रह सकती है। अगर आपने थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ले लिया ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है, लाइक आपको कभी बैक पेन हो सकता है, आपको शोल्डर पेन हो सकता है या फिर आपके बूब्स जो है वो उधर भी हो सकते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए जो है परफेक्ट यही रहेगा कि आप अपने परफेक्ट साइज की ब्रा ले जो कि आपको एक अच्छा सा इफेक्ट भी दे प्लस आपको एक्सरसाइज करने के लिए केस में भी ऑकवर्ड मूवमेंट का सामना ना करना पड़े। ओके दैट्स ऑल गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट दिस।
एनामो स्पोर्ट्स हाई इम्पैक्ट ब्रा, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप जिमिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ डेली लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, जैसे कि अगर बहुत जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या स्कूल गोइंग ऑल्सो गर्ल्स जो हैं, जो हैवी बस्टी होती है, जिनको प्रॉब्लम होती है कि मतलब जैसे कि अब स्कूल ही उन्होंने, स्कूल में बच्चे खेलते भी हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन बच्चों के लिए भी काफी अच्छी ब्रा है अगर आप लेना चाहते तो। जस्ट बिकॉज ऑफ कई बच्चियां काफी अपनी एज से ज्यादा ही ग्रो कर जाती हैं, तो आप उनके लिए भी, मदर्स भी ये चीजें देख सकती है अपनी उन गर्ल्स के लिए। तो अगर ये वीडियो किसी के लिए भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें, बताएं कि हाँ ये हमारे इस एज ग्रुप के लिए हेल्पफुल है। ओके दैट्स ऑल गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।